मेरा बन रहा था भाई, देख ले भाई। ओ गाइस देख लो, मेमोरी सीरीज तो देख लो, माइंड बाय का बन रहा है यार। चीटिंग है भाई, 10,000 का नुकसान, 10,000 का नुकसान है भाई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू अनदर मैच व्लॉग। आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे। सैंडी भाई, आज कौन सा मैच है? बिग मैच, फाइनल, द ग्रैंड फिनाले गाइस। तो प्रयागराज हम लोग आ रखे हैं इस टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच। इस टूर्नामेंट में फर्स्ट टीम को मिलेंगे 2 लाख कैश प्राइज एंड सेकेंड टीम को मिलेंगे 1,50,000। तो आज है 50,000 रुपये की फाइट और आज हमारा फाइनल मैच है UPCA क्रिकेट एसोसिएशन की टीम से, जिसमें आने वाले बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर्स और भाई अपनी रहेगी सेम टीम। चलो भाई चलते हैं ग्राउंड में। ब्रो एक्साइटेड फॉर फाइनल मैच? यस ब्रो, एक्साइटेड फॉर फाइनल मैच। कप्तान साहब, एक्साइटेड फॉर फाइनल मैच के लिए? हां जी ऑब्वियसली। राजन ब्रो, एक्साइटेड। सैंडी, एक्साइटेड एज फक। इधर गाइस देखो, टीम लिखी जा रही है, हमारे कौशल साहब जी टीम लिख रहे हैं। एंड अब हम लोग चलते हैं सीधे विकेट पे और विकेट चल के आप लोगों को शो करते हैं। जय श्री राम। तो आ गए विकेट पे भाई। आज होने जा रहा है हमारा भाई इस विकेट मैच, बीच वाले विकेट पे। कल था हमारा इस वाले विकेट मैच एंड फर्स्ट मैच था हमारा इस वाले विकेट पे, और इस वाले विकेट पे अभी तक टूर्नामेंट का एक भी मैच नहीं हुआ है। फर्स्ट मैच होने जा रहा है एंड विकेट आप लोग चेक कर सकते हैं। वैसे तो दिखने में विकेट ठीक लग रहा है, बट भाई नई विकेट पे डायरेक्ट फाइनल, ये क्या करवा दिया भाई एसोसिएशन ने, ये क्या करवा दिया। देखते हैं गाइस, वैसे मुझे विकेट देख के लग रहा है कि थोड़ा सा इधर बॉल टर्न करेगा, बाकी अभी थोड़ी देर में टॉस होगा, फिर टॉस के टाइम पे आप लोग को बताते हैं कि टॉस में क्या हुआ। सो गाइस, टॉस हो गया, टॉस हार गया अपने कौशल भाई। एज यूजुअली दोनों मैच में टॉस हारे हैं और टर्न मैच जीते हैं। टॉस हार के आगे आज भी अपनी बैटिंग। चलो भाई सीधे मिलते हैं हमारी टीम की बैटिंग पे। शाबाश शाबाश भाइयों, शाबाश शाबाश, लग के खेलेंगे। कर रहा है तेरा रूप सुनने। चल खेल। गजब है, गजब जस्सी भाई, गजब। बढ़िया बढ़िया, लगातार बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। ऊपर जबरदस्त बाउंसर आश्रम के बाहर निकलती हुई गेंद। ये क्या गेंद है, क्या गेंदबाजी कर रहा है गेंदबाज नमन तिवारी। ये अच्छी गेंद है, पूरी तरह से मुश्किल में डाले था, सफल करके बाहर निकले था और यहाँ पर अगर बारिश की होती तो मुश्किल में पड़ते बल्लेबाज सभी कादियार में। बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था सभी कादियार को यहाँ पर। ये अच्छी गेंद एक बार फिर से 24 बिल्कुल मिडविकेट पर पाएंगे ऊपर इस बार के लगातार बदले गए। बहुत बढ़िया कलेक्शन है लाल निशा से 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट में
बहुत ही चला गया गुरु के चार रन तिवारी का जो बाहर है और ये गेंद यहाँ पर सीधे जा करके एक और चमत्कार व्यक्ति है शोर सिंह अपना सूर्य उदय करते हुए चलता किया है ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। हमारा एक नए बल्लेबाज पिछले मुकाबले में अर्ध शतक सिंगल लिया है ये अच्छी गेंद है और उसका पूरा सम्मान लगभग इस बाजी ये अच्छी गेंद है सचिन सिंह के छक्का निकलता हुआ टूर्नामेंट के चला गया लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी कवर के खिलाड़ी को दूसरे के लिए निकलना चाहते थे अंकित कुमार देखा सिंगल के साथ कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जाऊंगा इस तरह के बैट डायनाइज करने के लिए आसानी के साथ दूसरे की कॉल की है और ये दूसरे रन भी पूरा होता था बढ़िया रन भी होता विकेट तेरह बल्ले बाते के बाद कि कोई भी कार्य एक अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता और ये बड़ा विकेट बहुत ही बड़ा विकेट गिरा है बॉल को आउट कर दिया है भाई ठंडी गलत देने का वाले बाद 123 के बाहर चार रन के लिए अंकित कुमार के बल्ले से चौका निकलता हुआ पहला रन तेजी से दबाव बनाया क्षेत्र के ऊपर पर केवल एक ही रन से सिंगल के लिए कॉल की है खतरा हो सकता है डायरेक्ट लगी है निशाना तो लगा है पर बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित पहुंचने में कामयाब रहे देती है बिल्कुल ऊपर डाली हुई टीम करके थोड़ा सा चिंता बढ़ती थी और एक रन तेजी से दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया है तो अच्छी गेंद है एक बार फिर से पर विकेट ने दबाव बल्लेबाज के ऊपर बनाया था रन के लिए उतावले नजर आ रहे थे नॉन स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज और अच्छी गेंद ये ताकत है ये स्ट्रेंथ है गेंदबाज नमन तिवारी की अपना गवा कर पवेलियन जाते हुए कमाल की गेंदबाजी की है और नमन तिवारी ने जहां से अपना अंतिम मुकाम ये अच्छी गेंद आप करते हैं इसके साथ अरे बच्चे खतरा हो सकता है राह में खतरे भी है ठहर का कौन है तेरे लश्कर के मुकाबले में अकेला हूं अगर फैसला मैदान में होगा मरता कौन है ये विकेट मिल जाएगा
बल्ले का चार बॉल सफल होती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर तारिक के लिए नमन तिवारी थे वहां पर। ये उछाले थे गेंद और छाटा कर गेंद अच्छी लेंथ की है अच्छा पर स्कोरिंग करते हैं अगले इसके पार्टी सर को सौंप दिया और इस बार उछाले थे गेंद पंजे के बल जाकर गेंद को ऑन साइड पर बोलने का प्रयास कराई है और इस बार गेंद को कट किया है बॉल की स्पीड काफी है खिलाड़ी पीछे गेंद आगे है बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को स्पिन किया जा रहा है दूसरे ने पूरा किया तीसरे के लिए निकले हैं दोनों बल्लेबाज और ये तीसरा रन भी पूरा पकड़ के कामयाब होते हुए स्टंपर के सीधे रोहित इस्तेमाल खेला है गेम खिलाड़ी के हाथों में और उसी के साथ ही खिलाड़ी के हाथों में ये भी कि नवा गिरता हुआ सबूत चौधरी को दूसरी कामयाबी ने पूरी दी है अभी तक इस बार बढ़िया बढ़िया भाइयों वेल प्लेड यार भाई ठीक है भाई ठीक है और भाई साहब हाथ का दिखा दे पर हाथ का दिखा दे तो हमारी टीम ने भाई टारगेट दिया है भाई UPCA को भाई 213 रन का एंड आखिरी में सैंडी ने टॉप बैटिंग करी वेलम सैंडी गुड बैटिंग भाई अंकित ने भी एक नंबर बैटिंग की यार वो कत्ती प्रेशर सिचुएशन में तूने इनिंग को होल्ड तो कर ली इनिंग को होल्ड तो कर लिया बट यार गाइस जिस बॉलर में आउट हुआ हूँ उसका नाम है भाई नमन तिवारी आप सभी को बता हुआ अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में था वो एंड उसकी बॉल पे आउट हो गया भाई मुझे पता था पक्का बाउंसर मारने जाएगा एंड अच्छी बॉल फेंक रहा था अच्छी लेंथ पे फेंक रहा था तेज फेंक रहा था 130 प्लस हुआ एंड बाकी यार मैं कट ही मारने गया उसको भाई मैं बस ऊपर से रखने गया और यार एज लग गया थोड़ा हार्ड लग हो गया यार फाइनल में यार बट ठीक है भाई अपने 100% दिया है अभी तक और अभी 100% और देंगे फील्ड में 213 रन डिफेंड करने भाई 213 रन बढ़िया रहेगा वैसे मतलब भाई अच्छा मैच होगा ऐसे नहीं है बढ़िया मैच होगा मुश्किल ही है हाँ बाकी जा रहा अभी रूम में अपने फोन को चार्ज पे लगाने के लिए अब आप लोगों से सीधे मिलते हैं सेकंड इनिंग में कवर पे खेला है बॉबी लाइन से गेंद उठाया गया आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका फाउंडेशन बन चुका है बस अब उससे साझेदारी बनाना है और ये साझेदारी धीरे धीरे 90 रन पर जीरो विकेट बड़ी होती नवाजी की हो चली है वो खेल रहा है भाई साहब 132 35 की जो स्तर पर सामना करेंगे लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन पर बैटिंग कर रहे भाई ये लोग डीप में टोटली डोमिनेट कर रहे खिलाड़ी की पे पड़ पहले को नजर आता हुआ ये गेम क्लोज हो गया मेरे में कैसा लग रहा है खिलाड़ी पर मिस भी हो सकते हैं आज मिडफील्ड बहुत बड़े ग्राउंड फील्डिंग अच्छी नजर नहीं आई है हरियाणा के क्षेत्र रक्षक आज सुस्त नजर आए हैं बॉडी लैंग्वेज होता है वो नजर नहीं आया हरियाणा के खिलाड़ियों का चौके छोड़े दो मकान खेल के बच चुकी हरियाणा की टीम ये तीसरा मौका है जब फाइनल खेल रही है
तीसरा बड़ा मौका है लेकिन। तो दोस्तों हमारी टीम मैच हार गया भाई 4 विकेट से। चल रहे हैं भाई प्रेजेंटेशन पे और वहां पे चल के आप लोग आगे की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज इस टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ाने का कार्य किया है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी। जीतने की फीलिंग अलग है गाइस, बाकी कोई नहीं 1.5 लाख आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो गाइस 1.5 लाख आ गए। लो आज रात में पार्टी है, ठीक है दसी, ठीक है चल रहे हैं। 2 लाख ही तो लेके गए, 50,000 तो एक्स्ट्रा लेके गए, क्या दिक्कत है। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन टू UPCL टीम, 50,000 का हम कुछ मानते नहीं है भाई। और मैं चाहूंगा कि सर 50,000 आप लोग भी आ जाएंगे, कोई नहीं 30,000 फालतू तो भाई। और 15,000 जो तो मैंने सीरीज के लेके आ रहा है, ये तो 1 लाख 70,000 और 5,000 महंगाई लेके आ रहे हैं। 10,000 का नुकसान, 10,000 का नुकसान भाई। इस तूने बेटा कुछ ना कुछ तो करा है। 20,000 मैन तो सिंपल 15,000 का नुकसान भाई। चैंपियन टीम अभी आ गए नहीं सब, अरे वो दिख ही नहीं रहा है। अरे वो पता नहीं आ रहा हमारा भाई, हार लिए गुरु फाइनल का। एक मिनट दिखा लो गाइस, देखो फाइनल तो हार गए बट कोई नहीं, हम लोगों ने अच्छा फाइट करा। सैंडी वेल बोल्ड, सैंडी वेल बोल्ड, जस्सी सारी बात थी, वेल प्लेड, ये रहा जस्सी मैन ऑफ द सीरीज, कौशल हमारा द कैपी, यू फाइट वेल, आपने थैंक यू सो मच। बाकी गाइस ये टूर्नामेंट सही रहा हमारी टीम के लिए, बट फाइनल हार गए। फाइनल में छोटी सी गलती होगी यार, बट कोई नहीं, अब फोटो तो खिंचा रहे हैं। फोटो जिसको ही देखने की जाकर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अपलोड करूंगा, जाकर वहाँ पर चेक कर लेना। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब थोड़ी देर में जरा आप लोगों को पूरी मैच की समरी देते हैं कि आज के मैच में क्या क्या हुआ। बस यार फोटो खिंचवा लें फिर गंजे। तो भाई कौशल एक क्वेश्चन पूछूंगा भाई, आज हमारी टीम के हार का क्या मेन रीजन रहेगा ब्रो? यार जो हमारा इंटेंट था ना मेन, शुरू से ही थोड़ा मुझे हल्का लगा कि रन कम बने हैं, ठीक है जल्दी कर दो। हां एंड भाई फील्डिंग एक मिनट वर्स्ट फील्डिंग करी है सर ने, कितनी फील्डिंग भाई, अब एलसीए की तो कभी नहीं। हां बस यही सब कहना चाहूंगा, और बाकी बॉल भी थोड़ी हल्की डाली है शुरू में, उसने अच्छी बैटिंग करी बट हल्की बॉल डाली अभी तभी उसने अच्छी बैटिंग। ऐसा नहीं कि उसको अच्छे बॉल को चौका मार दिया, छक्का मार दिया, मुंह पे बॉल डालोगे तो चौका छक्के तो लगेंगे। सही बात, सही बात। बाकी गाइस आज मैं आउट हो गया था 25 रन्स पे, अच्छी बैटिंग हो रही थी भाई, मैं वो एक्चुअली कट मारने गया और लग गया यार एज, और आपका भाई आउट हो गया। बट भाई वही अच्छा लगता है यार कि ऐसे अच्छे अच्छे टीम के हम लोग कम्पीट करते हैं, बट हम लोग मैच में ना कहीं पे भी नहीं थे, वहाँ से हम लोग एकदम मैच में आ गए और हम लोग आखिरी में आ गए। 4 विकेट से मैच हारे गाइस, बस 4 विकेट से हार गए यार। कोई नहीं भाई, नेक्स्ट ईयर दोबारा आएंगे रिजु कप खेलने के लिए, और नेक्स्ट ईयर रनर अप बन के नहीं जाएंगे, नेक्स्ट ईयर फाइनल जीत के जाएंगे। तो बाकी गाइस अभी तो हमें भाई आज रात में यहाँ से निकलना है दिल्ली के लिए, एंड हम जा रहे हैं भाई हॉस्टल में अपने रूम पे, और चेंज वेंज करेंगे और थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलेंगे सीधे दिल्ली के लिए। 10 बजे की ट्रेन है,
तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। होप कि आप लोग इस ब्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर ब्लॉग अच्छी लगे तो ब्लॉग पे लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते रहेंगे ऐसे बड़े बड़े ब्लॉग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय 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 ना बाय बाय। पीछे लड़का ट्रॉफी लेके आ रहा है, थैंक यू छोटे, थैंक यू। चलो भाइयों मिलते हैं बहुत जल्द नई ब्लॉग में। गुरु फाइनल तो हार लिया। अरे यार कैमरा कर, अरे ओ मेरी जान। अब ये देखो ये आई ना लाइट बनी कुछ बात।